हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले एजम्पशन के बारे में चलते हैं कि क्या एज्यूम करके चलना होगा आपको जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में स्टडी कीजिएगा। तो काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, गैस यहाँ पे मोशन में रहेगा, ठीक है। तो इसके कुछ एजम्पशन हैं, ठीक है। जनरली हम लोग 5 एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये 5 एजम्पशन इम्पॉर्टेंट है। और बाकी कुछ बुक्स में इससे ज़्यादा एजम्पशन लिखा रहता है तो वो भी एजम्पशन इन्हीं 5ों से 6-7 एजम्पशन बना देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। यही 5 इंपॉर्टेंट एजम्पशन है जो कि आपको अभी बताया जाने वाला है। जो पहला सबसे फर्स्ट एजम्पशन जो है वो है कि गैसेज इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, यूजुअली मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है। ये जो है यूजुअली मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। जैसे हीलियम, हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक है तो एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, ओके। और इसका जो वॉल्यूम जो है सिग्निफिकेंटली बहुत स्मॉल लिया जाता है, नेग्लिजिबल लिया जाता है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम कहने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन होगा उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ एज्यूम करके चला जाता है, ठीक है। और देयर इज नो इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू कंजुकेटिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो कंजुकेटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में जब किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो दो गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जब इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो गैस का जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही होगा सिर्फ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं करेंगे, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल, दो कंजुकेटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो एनी इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, ओके। और पार्टिकल जो है, गैस का जो पार्टिकल है और रैंडमली मूव करता रहेगा, एक कांस्टेंट रैंडम मोशन करता रहेगा गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और अपने पाथ को तब चेंज करेगा जब वो किसी से टक्कर खाएगा, या तो वो मॉलिक्यूल से टकरा जाए तो अपने पाथ को चेंज कर देगा, या तो यदि वो वाल मतलब कंटेनर के वाल से टकरा जाए तो फिर अपने पाथ को वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब किसी से वो टकराएगा, ओके। और यहाँ पर जो टक्कर जो होगा वो इलास्टिक कॉलिजन होगा, ओके। जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से टकराए या मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वाल से टकराए, कॉलिजन जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना है, ओके। और इसमें आप कह सकते, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ऑक्सीजन O2 का जो स्पीड होता है इन एयर वो 1660 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, मतलब 1660 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। लगभग आप 1000 माइल्स पर आवर कह सकते हैं, 1000 माइल्स पर आवर, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा स्पीड से ये ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसमें एक और बात कहा जाता है कि जब आप गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करते हैं, तो ग्रेविटी का इफेक्ट आपको नहीं लेना है, ग्रेविटी का इफेक्ट आपको नहीं सोचना है, मतलब जी गैस मॉलिक्यूल्स पे mg नहीं लगेगा, जिस कारण से आप कह सकते हो कि गैसेज का डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। गैसेज दो तरह का होता है, एक रियल गैस होता है और एक होता है आइडियल गैस, जो आप लोगों को पढ़ना है। रियल गैस के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफली आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। मेनली जो आपको पढ़ना है वो आइडियल गैस के बारे में पढ़ना, और आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया जाता है, और वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो डेट इज इक्वल टू PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, ओके। और PV इक्वल टू NRT को और भी आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो कंटेनर में यदि गैस है तो आपको PV इक्वल टू NRT यूज करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, PV इक्वल टू NRT जब हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं PV इक्वल टू NRT, ठीक है ना। तो इसमें यदि कोई क्लोज कंटेनर है, जैसे मान लीजिए ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, तो इसके जो स्टेट की बात यदि करेंगे
तो स्टेट की बात करेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे। क्योंकि क्लोज कंटेनर में जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, जो मोल्स होगा गैस का वो कांस्टेंट होगा, और ये तो गैस कांस्टेंट है ही, ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है यहाँ से आप सोच सकते हैं कि पी वी बाई टी दैट इज इक्वल टू एन आर आ गया, और जो कि कांस्टेंट है किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं पी वन वी वन बाई टी वन, ठीक है, इक्वल टू पी टू बी टू बाई टी टू। जैसे आप सोचिए, जैसे ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में आपने किसी प्रोसेस के जरिए आपने इसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ चेंज ले आया, ठीक है, अपने प्रेशर, वॉल्यूम और मतलब यहाँ पहले P1 था, फिर V1 था, T1 था पहले, ठीक है, और आपने किसी प्रोसेस के जरिए इसके प्रेशर को P2 बदल दिया, V2 बदल दिया और T2 में बदल दिया, ठीक है। तो लेकिन एक बात समझ जाइए कि जब ये कंटेनर क्लोज्ड है, जब ये कंटेनर क्लोज्ड है तो उस केस में P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैस लॉ देख लेते हैं, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी तो हम लोगों ने देख लिया कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। कुछ और भी फॉर्म्स हो सकता है, इस गैस लॉ को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यदि एटॉमिक फॉर्म में है तो मास बाय एटॉमिक मास, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आर टी हो गया, ठीक है। फिर इसको मास बाय वॉल्यूम कर दिया हमने और इसको लिख दिया आर टी बाई एम। मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी लिखा जा सकता है, तो प्रेशर को लिखा जा सकता है रो आर टी बाई एम। ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म देख लेते हैं गैस लॉ का, ठीक है। यदि आप, ये क्या है, मॉलिकुलर मास है, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर से तो क्या होगा, देखिए, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू जो एनआरटी है, इसमें क्या कर दिया हमने, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इस कंटेनर में जो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है इसको एन मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंटेनर, ठीक है, इसको एन मान लेते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल टू, ठीक है, ये एन आर टी बाई एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। और ये जो गैस कांस्टेंट है बाय एन ए डेट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो पी वी इक्वल टू यहाँ पे हो गया एन के टी, ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, ओके। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब गैस कांस्टेंट का वैल्यू जब लिखना होगा तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए पी वी, पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का यूनिट जूल हो गया, ठीक है। और जैसे आप एनआरटी में आर का यूनिट निकाल रहे हैं तो पी वी इक्वल टू एनआरटी में, अब यहाँ से देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम का क्या हो गया, जूल हो गया, और एन का हो गया मोल, टेम्परेचर का हो गया केल्विन। तो गैस कांस्टेंट का जो यूनिट के साथ 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया गैस कांस्टेंट का यूनिट वैल्यू, ओके। और इसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन होता है, ठीक है।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1.38 इंटू 10 टू द पावर 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। कभी भी जब आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इम्पोर्टेंस लगे क्वेश्चन में तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का इम्पोर्टेंस लगे तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो गैस इक्वेशन लिखा जा रहा है, गैस लॉ का इक्वेशन लिखा जा रहा है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में अब यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉ है यहाँ पे डिफाइंड, ठीक है। जैसे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर एक है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स बॉयल्स के स्टूडेंट है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, क्या कांस्टेंट होगा चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ओके। एक है गे लुकेस लॉ, तो गे लुकेस लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, गे लुकेस लॉ में जब भी आप लिखिएगा तो गे लुकेस लॉ में वॉल्यूम को कांस्टेंट कीजिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और गे लुकेस लॉ में क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और जब आप इसको कांस्टेंट कीजिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट नया नया इक्वेशन बनेगा, जो अब हम लोग आगे इसको देख लेते हैं, ओके। देखते हैं इसके और भी जो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन हो सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बॉयल्स लॉ के केस में। तो बॉयल्स लॉ के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कीजिएगा, टेम्परेचर को जब आप कांस्टेंट कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है। देखिए पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो एन आर तो कांस्टेंट ही है ना, किसी भी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से दो किसी कंटेनर के लिए यदि डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे, दो प्रेशर पे वॉल्यूम का इक्वेशन लिखा जाए तो क्या हो सकता है, पी वन वी वन इक्वल टू हो सकता है पी टू वी टू, ठीक है। किसी एक गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जब वॉल्यूम वी वन था तो प्रेशर पी वन था, और जब वॉल्यूम वी टू हो गया तो प्रेशर पी टू हो गया। मतलब यदि आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पी वी जो होना है कॉन्स्टेंट रहना है, ठीक है। तो ये है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में पी वी, मतलब यहाँ से आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रेशर जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो प्रेशर और वन बाई वी के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। और यदि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में सीधा ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए तो फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, प्रेशर है वॉल्यूम है, ये टी वन टेम्परेचर पे ग्राफ है, ये टी टू टेम्परेचर पे ग्राफ है, कौन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि टी वन और टी टू में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया P2, ये हो गया P1, और वॉल्यूम दोनों के लिए V0 दोनों के लिए सेम हो गया,
ठीक है, तो जब वॉल्यूम सेम हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर, क्योंकि PV इक्वल टू क्या हो रहा है, NRT हो रहा है, तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब है कि T2 ज़्यादा होगा T1 कम होगा, क्योंकि P2 ज़्यादा है P1 कम है। ठीक है, चूँकि P2 बड़ा है P1 से, इस कारण से T2 बड़ा होगा T1 से। ये था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद हम लोग चलते हैं चार्ल्स लॉ पे, कि चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या किया जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ को हम लोग देखते हैं कि चार्ल्स लॉ में किस तरीके से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आता है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में क्या हो गया, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया। चार्ल्स लॉ में क्या हो गया, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया। तो जब आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दीजिएगा, प्रेशर को यदि कॉन्स्टेंट कर दीजिएगा, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, मतलब V1 बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 बाई T2, कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, मतलब यदि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम यदि कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया ना इसमें, इस केस में क्या हो गया, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यदि इस पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, तो और ये जो है ये प्रेशर P1 पे है और ये जो है प्रेशर P2 पे है। ठीक है, तो इसमें से कौन ज़्यादा होगा, तो फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर एक T0 टेम्परेचर हो गया, तो ये जो है V1 और V2, निश्चित तौर पे V2 ज़्यादा होगा V1 से। ठीक है, और टेम्परेचर सेम हो गया ना, तो PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम हो गया, तो P डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो इस केस में V2 ग्रेटर देन V1 है, लेकिन जब प्रेशर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा सेम टेम्परेचर पे, है ना, कुछ ऐसा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं गे लुकेस लॉ पे। गे लुकेस लॉ में क्या कह रहा है, गे लुकेस लॉ में कह रहा है कि अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे लुकेस लॉ में क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या हो गया, अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो P1 बाई P2 इक्वल टू क्या हो सकता है, T1 बाई T2, कुछ इस तरह का इक्वेशन बन सकता है। अब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ठीक वैसा ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, जैसा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के केस में बना था। तो ये गे लुकेस लॉ है। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस केस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैस लॉ के बारे में सीखा, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुकेस लॉ क्या है ये सीखा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक टर्म डिफाइंड है करैक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन करैक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट के फॉर्म में क्या होता है, देखिएगा, जैसे PV इक्वल टू NRT है, PV इक्वल टू क्या है, NRT, करैक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो PV इसको लिख दिया गया मास बाय मॉलिकुलर मास RT। ठीक है, तो PV मास को ऐसे ही रहने दीजिए, R बाय M इंटू T, तो PV इक्वल टू M स्मॉल RT हो गया मास के फॉर्म में। करैक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट ये है, करैक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट बाय मॉलिकुलर मास। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, यदि ऑक्सीजन के लिए लिखिएगा तो गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, 8.3, और मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 32। तो करैक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट जो
ऑक्सीजन के लिए डिफाइंड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 8.3 बाई 32 के बराबर हो जाएगा।